शिवाय। सावन में सोमवार को क्यों रखते हैं व्रत, जानिए। जी हाँ, आप लोग के मन में भी यह प्रश्न होगा कि सावन में सोमवार को हम व्रत क्यों रखते हैं। मैं पंडित एस के मिश्र और आज मैं इसी विषय पर प्रकाश डालूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। सावन में व्रत। श्रवण माह के प्रत्येक सोमवार को शिव जी के व्रत किए जाते हैं। श्रवण माह में शिव जी की पूजा का विशेष विधान है। कुछ भक्तजन तो पूरे मासी भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत करते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल श्रवण मास में पड़ने वाले सोमवार को ही व्रत करते हैं। श्रवण मास के सोमवार में शिव जी के व्रत पूजा और शिव जी की आरती का विशेष महत्व है। शिव जी के ये व्रत शुभदायी और फलदायी होते हैं। इन व्रतों को करने वाले सभी भक्तों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन मास में देश भर के शिवालय श्रद्धालुओं से पड़ जाते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं अपने श्री मुख से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत कुमार को सावन मास की महिमा इस प्रकार बताई थी। मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्र वाम नेत्र तथा अग्नि मध्य नेत्र है। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियां अत्यंत पुण्य फलदायी होती है और वह पुण्य काल सावन के महीने में ही होता है। अर्थात ये दोनों संक्रांतियां सावन में ही आती हैं। अतः सावन मास मुझे अधिक प्रिय है। सूर्य के साथ साथ भगवान शिव के नेत्र भूमंडल के समस्त जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं और जलाशक्ति करते हुए चलते हैं। सावन के पवित्र युग में किया गया शिव पूजन और व्रत असीम फलदायी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक की अवधि में वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा होती है। वर्षा से अनेकानेक वनस्पतियों का पोषण होता है। श्रवण मास में सोमवार व्रत अधिक प्रचलित है। लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं और उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता है। अतः सोमवार को व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। इस मास के सोमवार व्रतों का पालन करने से 12 महीनों के सभी सोमवार व्रतों का फल मिलता है। सोमवार के व्रत का विधान अत्यंत सरल है। स्नान करके श्वेत या हरा वस्त्र धारण करके दिन भर मन प्रसन्न रखें। क्रोध ईर्ष्या चुगली न करें। स्वयं को शिवमय माने। दिन भर शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। सायंकाल को प्रदेश बेला कहते हैं। इस समय यदि भगवान शिव का समीप मिले समस्त दोष दूर हो जाते हैं। अतः सायंकाल शिव मंदिर में या अपने घर में ही मिट्टी से शिवलिंग और पार्वती तथा गणेश जी की मूर्ति बनाकर 16 प्रकार से पूजन करें। इनमें 16 दुबी, 16 सफ़ेद फूल, 16 मलाओं से शिव पूजन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अंत में 16 के दीपक से आरती करके क्षमा हेतु प्रार्थना करें। 16 सोमवार व्रत में 16 की संख्या का अभिप्राय क्या है? प्राचीन काल में उज्जैन से सुगंधा नामक अवैश्या थी। पुरजन्म के पुण्य से उसके शरीर में सुगंध का अच्छा स्रोत था। उसके शरीर से निकली हुई सुगंध एक कोश तक फैली रहती थी। वह गायन विद्या में 6 रागों तथा 36 रागिनियों में निपुण थी। नृत्य में रंभा आदि दिवंगनाओं के पीछे छोड़ चुकी थी। पृथ्वी पर उसके रूप लवण की ख्याति दूर दूर फैली हुई थी। अपने इन गुणों से उसमें कई राजाओं, युवाओं, पुरुष, ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों और व्यापारियों को धर्म भ्रष्ट किया और उनका शोषण कर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत भी किया। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि चिप्रा नदी में स्नान करके उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करते हुए एकत्र हुए। वह अमान्य वेश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों के धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी। किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपो
बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा कि उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति की मार्ग में बढ़ने लगा। इस मास के काल के देवता भगवान शिव की पूजा करना, कथा सुनना तथा पुराणों का श्रवण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुसित विचारों को त्याग कर स्वभाव में नम्रता रखते हुए धैर्य निष्ठापूर्वक भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी में लीन रहना चाहिए। इस मास का महात्म सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसे श्रवण मास कहा जाता है। पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण भी यह मास श्रवण कहलाता है। इस मास की संपूर्ण कला को केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इस मास के कुल 30 दिन व्रत पुण्य कार्यों के लिए ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत अथवा पुण्य कार्यों के लिए ही होती हैं। जप तप आदि के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। वर्षा के इस ऋतु मास को योगी पुरुष नियम व संयम पूर्वक तप करते हुए व्यतीत करें। एक मास तक रुद्राभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें तथा उससे नमः शिवाय का जप करें। इन दिनों व्रत को अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। पुष्प फल धान्य और बिल्व पत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर एकाग्रचित हो पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस मास कोटिहोम ग्रह यज्ञ करने पर मनोमांछित फल की प्राप्ति होती है। मास की अंतिम तिथि पूर्णमासी को विसर्जन कर सभी स्त्रियां सबसे पहले अपने भाई को अपने जीवन की रक्षा हेतु रक्षाबंधन बांधती है। प्रथमी से अमावस्या तिथि तक किए जाने वाले उपवासों के देवी देवता भी भिन्न भिन्न है। प्रतिपदा के किए जाने वाले व्रत के देवता अग्नि, द्वितीया के देवता ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के विनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नौवीं की दुर्गा, दसवीं के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के हरिनारायण, त्रयोदशी के रतिपति कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णमासी के चंद्रदेव और अमावस्या को किए जाने वाले व्रत के आराध्य पितर हैं। श्रवण में शिव रुद्री के पाठ का विशेष महत्व है। इसके फल का वर्णन इस प्रकार है। शिव पूजा सर्वप्रथम संकल्प करें, तत्पश्चात शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर और निष्ठापूर्वक यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करें। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्राष्टाध्याय का पाठ करवाएं और उसका श्रवण करें। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की प्राप्ति होती है, तीन पाठ से उपद्रव की शांति होती है, पांच पाठ से ग्रहों की, सात से भय की, नौ से सभी प्रकार की शांति और वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति और 11 से राजा का वशीकरण होता है और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ करने से एक रुद्र का पाठ होता है। तीन रुद्र पाठ के कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश, पांच से शत्रु और स्त्री का वशीकरण, सात से सुख की प्राप्ति, नौ से पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का श्रेष्ठ द्रव्यों से अभिषेक करने का फल, जल अर्पित करने से वर्षा की प्राप्ति, उषा का जल अर्पित करने से शांति, दही से प्रसव प्राप्ति, ईख रस से लक्ष्मी की प्राप्ति, मधु और घी से धन की प्राप्ति, दुग्ध से पुत्र प्राप्ति, जल की धारा से शांति, 1000 मंत्रों के सहित घी की धारा से वंश की वृद्धि और केवल दूध की धारा अर्पित करने से प्रमेह रोग से मुक्ति
और मनोकामना की पूर्ति होती है। शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से बुद्धि निर्मल होता है। सरसों या तेल के तेल से शत्रु का नाश होता है और रोग से मुक्ति मिलती है। शहद अर्पित करने से यक्ष्मा रोग से रक्षा होती है तथा पाप का क्षय होता है। पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। उपयुक्त द्रव्यों से अभिषेक करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। रुद्राभिषेक के बाद 11 वर्तिकाएँ प्रज्वलित कर आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव का भिन्न भिन्न फूलों से पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। कमलपत्र, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्पी द्वारा पूजन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। आंख के पुष्प चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते, वे श्रवण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महत्व है, इसलिए श्रवण में सोमवार व प्रदोष में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रवण में ही समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, इसलिए इस माह शिव आराधना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत तीन तरह के होते हैं, सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शास्त्रों और पुराणों में श्रवण सोमवार व्रत को अमोद्य फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रवण सोमवार को व्रत करने से परिवार में खुशियाँ, समृद्धि और सम्मान प्राप्ति होती है, जबकि पुरुषों को इस व्रत से कार्य व्यवसाय में उन्नति, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता और आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। अविवाहित लड़कियाँ आदि श्रवण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करती हैं तो उन्हें अच्छा घर और वर मिलता है। पार्वती ने सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। यही कारण है कि सावन के महीने में सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए विशेष मुहूर्त एवं शिव जी का निवास का स्थान रखना चाहिए। शिव अलग अलग स्थान पर रहते हैं, अतः जिस दिन से आप सोमवार व्रत करें शिव जी का निवास अवश्य देखें, जिससे आप जिस उद्देश्यों से शिव जी का व्रत रखें वह पूर्ण हो। क्योंकि शिव जी वृषभ पर बैठे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति गौरी के साथ हो तो शुभ, कैलाश पर बैठे हो तो आपको सौम्य की प्राप्ति होती है, सभा में बैठे हो तो कुल वृद्धि होती है, भोजन कर रहे हो तो अन्न की प्राप्ति, क्रीड़ा कर रहे हो तो संताप कारक होता है, यदि शिवजी श्मशान घाट में है तो मृत्यु के समान होता है। अतः सोच विचार करके 16 सोमवार व्रत करें। कई बार सुना होगा कि लड़कियां अगर ये व्रत रखें तो उन्हें अच्छा पति मिलता है। कई बातें कहीं और मानी जाती हैं, आप क्या मानते हैं कमेंट में करके अवश्य साझा करें। धन्यवाद। राम राम।